नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज अग्रसेना महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल के कार्यालय विरार पर सर्वपक्षीय पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। उस बैठक के बाद, बैठक से निकलने के बाद में उस बैठक में शामिल हुए सामाजिक कार्यकर्ता मयूरेश वाघ ने क्या कुछ कहा, सुनिए वीडियो में आगे। कि उनको क्रेडिट, वो तो चांद्रयान का भी क्रेडिट लेंगे, तो क्या वो तो उनको लेने दो। समूचा विपक्ष, लगभग सभी पार्टी के नेता, बीजेपी, शिवसेना, आप एक साथ आए यहाँ अग्रसेना के कार्यालय पे, एक मीटिंग हुई, तो क्या मुद्दा था, क्या एजेंडा था? अभी वसई विरार में काफी दिनों से कई मामले काफी गूंज रहे हैं और उस पर कई वक्त भी हो रहे हैं, तो इस पूरे मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, अभी बाकी तो कुछ विषय सबसे बड़ा यही था कि जो यहाँ के यहाँ जो कुछ भी गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ जो लोग हैं वो लोग सब एक मंच पे आने के लिए आज का प्रयास था। विपक्ष की एकता की नींव 2009 में रखी गई थी, विवेक पंडित जी जब चुनाव जीते थे, तो वो दोहराया जा रहा है। आज फिर एक बार विपक्षी एकता की नींव रखी गई है, या वो प्रयास हो रहा है और सफल प्रयास है कि आज हम सब लोग एक साथ बैठे, उसमें सभी प्रमुख पार्टी के लोग हैं और जो लोग यहाँ वसई विरार के लिए लड़ रहे वो लोग यहाँ एक मीटिंग में हुए, अपने विचार साझा किए और आगे क्या रोड मैप क्या रहेगा उसमें एक प्राइमरी लेवल पे बातचीत हुई है। आपने देखा रहेगा और आगे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि आज क्या चर्चा हुई है और वो सब लोग एक होकर महानगर पालिका के प्रशासन को उनसे जवाब मांगेंगे और ये सक्सेस होता हुआ आपको दिखेगा। सुरेश, एक सवाल ये है कि पिछली 15 अगस्त को जो कुछ हुआ था उस बारे में पिछले 7 दिनों से वसई विरार का पूरा माहौल गरमाया हुआ है, उसी चीज को लेकर कल आमदार ने अपना स्पष्टीकरण दिया, चंद्र ठाकुर उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया और उसमें कहीं ना कहीं समूचे विपक्ष की उन्होंने लाइकी दिखाई, समूचे विपक्ष को उन्होंने आड़े हाथों लिया, तो उस पर क्या कहना चाहिए? उसके बारे में मुझे कोई चर्चा नहीं करनी, क्योंकि मेरे हिसाब से वो विषय खत्म हुआ है और उनको कोई मुझे महत्व नहीं देना है। धन्यवाद। जिस तरह से अभी आज सभी पक्ष एक साथ में आए, इसमें कोई रणनीति बनाई गई या इलेक्शन के विषय में कुछ चर्चा हुई, क्या चर्चा हुई इस विषय में? देखो, यहाँ राजनीति करने का ये समय नहीं है, ये समय है लोगों के जो प्रश्न है। यहाँ की सड़कें टूटी है, यहाँ लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, लोगों के घर में बारिश का पानी जा रहा है, परिवहन की सेवा की जो दुर्दशा है, हमने इस सभी जो लोगों की समस्या है उसके बारे में आज हमने चर्चा की है। कोई एक ऐसा एक ही एजेंडा नहीं था, हमारा विषय है लोगों के जो प्रश्न है उसको किस तरह से छुड़ाया जाए। मनोज बाग जी, आपसे मेरा एक प्रश्न है, जिस तरह से कल एक आदमी जिसे कहते हैं आमदार यहाँ का, वो सब विपक्ष की लाइकी निकालता है, कहता है कि किसी की लाइकी नहीं है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी कौन क्या बोले उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम तो किसी के बारे में ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कभी आज तक ना किए ना करेंगे, क्योंकि हम मर्यादा को मानते हैं, मर्यादा में रहते हैं और भाषा की मर्यादा का पालन सबने करना चाहिए। एक तो अभी वो क्या बोले, उनका तरीका है, तो उनको हम शुभकामना देते कि अगर उन्होंने ऐसा वर्ड किसी का औकात निकाली हो तो हम क्या बोल सकते हैं? कि एक आमदार असभ्य भाषा बोलता है तो उस पर आप क्या कहेंगे? जनता सब देख रही है और किसी की कौन क्या है, जनता के बीच के जनता के हृदय में किसका स्थान क्या है वो सबको पता है। हमारा स्थान जनता में क्या है, हमारा स्थान जनता में है, इसके लिए हमारे मोर्चा में हजारों लोग आए, तो जनता किसके पीछे खड़ी है ये तो उस वक्त दृश्य देखा है, तो किसके बोलने से क्या होने वाला है ये एकता और ये मोर्चा आगे भी ऐसे ही देखने मिलेगा? ये जरूर एकता देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इसके लिए ही ये प्रयास है और जो लोग जिन्होंने ये एकता के लिए प्रयास किए, हम तो देखो हम तो लोगों के लिए लड़ रहे हैं और लोगों के लिए जब लड़ रहे तो जो भी हाथ से हाथ मिला के अगर आगे बढ़ रहा है तो हमें तो खुशी है कि जो हमने मुहिम छेड़ी है उसमें सब लोग अगर एक साथ आते हैं और ये वसई विरार को जो आज मैं कहूँगा कि पिछले सब जो शहर है उसमें वसई विरार का नाम आता है, तो वसई विरार को एक अच्छा डेवलप सिटी में अगर लाना है तो हम सबको मिलकर प्रयास करने पड़ेंगे, वो यही हमारा एजेंडा है। जी, लगातार आप पानी के लिए आंदोलन करते हैं और अभी ये एक
अच्छी खबर यह है कि आने वाले समय में सूर्या धुरण से 185 MLD पानी आने वाला है, लेकिन इस पर भी सोशल मीडिया में बहुजन विकास आघाड़ी अपना श्रेय ले रही है और ये बोल रही है कि उनको श्रेय लेने की आदत है, उनके बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं है। मैं उसमें आपको 2-3 दिन में अलग से एक उसको वो विषय विस्तार से बोलना पड़ेगा, तो वो मैं आपको अलग से उसमें ब्रीफ करता हूँ, अलग से हम उस पर इंटरव्यू करेंगे। बाकी उनको क्रेडिट, वो तो चांद्रयान का भी क्रेडिट लेंगे, तो क्या वो तो उनको लेने दो। और एक आखिरी सवाल, विपक्षी एकता की जहाँ बात की जा रही है, तो विपक्ष जो है वो खुद अपने आप में मजबूत नहीं है। कई लोग जहाँ भी हाल ही में बीजेपी को लेकर बीजेपी के नए जिलाध्यक्ष का चयन किया गया, उस पर भी कुछ लोग आपत्ति, बीजेपी के ही लोग आपत्ति दर्शा रहे हैं, तो क्या ये आपसी आपकी जो एकता है वो बनी रहेगी? देखो, वो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन ये तो चलता रहेगा। देखो, जब एक आप मुहिम छेड़ते हैं तो कोई आता है, कोई जाता है, ये सब चीज़ें चलती रहती है, लेकिन मेन जो लोग हैं वो सब एक है और एकता बनी रहेगी और आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छा होते हुए दिखाई देगा। आज मन से इतना बड़ा आंदोलन कर रही है वो आज के आपके साथ नहीं, मुझे पता नहीं है। महानगर पालिका को जिम्मेदार ठहराया गया है नाला सुपारा वसई विरार का, विकास जो नहीं हो रहा है, पानी भर जा रहा है, सड़कें टूटी हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अभी मैं किसी का नाम तो लेता नहीं और किसी पे व्यक्ति का टीका टिप्पणी करता नहीं, पर आप अगर सप्ताह में इतने सालों से है तो लोग आपको सवाल पूछेंगे। केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई अच्छा काम करती है तो आप क्रेडिट लेते हैं, महानगर पालिका में इतने सालों से आपकी सत्ता है तो आप अच्छे काम का क्रेडिट लेते हैं, और शहर की आज जो दुर्दशा हुई है, जो शहर आज इतना, एक मराठी में कहते बकाल, बजबजपुरी, सभी क्षेत्र में शहर पिछड़ा हुआ है, तो उसकी भी जिम्मेदारी आपने लेनी चाहिए। थैंक यू सर। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।